तो हेलो दोस्तों, ओरिजिनल टेक टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्त, अगर आप सऊदी अरबिया में हो और आप लेबरा का सिम इस्तेमाल करते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्त, इस वीडियो में मैं लेबरा सिम से इंटरनेशनल रिचार्ज करने का तरीका बताऊंगा। यानी कि दोस्त, अगर आप अपने लेबरा सिम से अपने मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल यानी किसी भी कंट्री का मोबाइल हो उसमें आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं लेबरा सिम कार्ड की एक कोड बताऊंगा। उस कोड की मदद से आप बहुत ही इजी तरीके से अपने मुल्क का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के हम आपको लेकर चलते हैं अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर और जानते हैं इंटरनेशनल रिचार्ज करने का तरीका। इससे पहले दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो लेबरा सिम से किसी भी कंट्री में बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपना मोबाइल का मैसेज वाला एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। यहां पे लिखा है मैसेज, तो यही वाला एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्त, नीचे लिखा है स्टार्ट चैट, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ ऊपर साइड में आपको एक कोड डालना है। चलिए मैं कोड डाल के आपको दिखला देता हूँ। ओके दोस्त, यहाँ पे आपको लिखना है 310 310, यानी 310 310। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है सेंड टू 310 310, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से एक सिम कार्ड का आइकन दिख रहा है, तो उस सिम कार्ड के आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने लेबरा वाला सिम कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, दूसरे नंबर पे मेरा लेबरा का सिम कार्ड है, तो यहाँ से मैं दूसरे नंबर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ मैसेज में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर पर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो नंबर डालने से पहले दोस्त, आपको कंट्री का कोड डालना है। जैसे कि इंडिया का है 91, तो आपको पहले कंट्री का कोड डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं इंडिया में ही ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो मैंने इंडिया का कोड डाल दिया है। अब यहां पे मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ। ओके दोस्त, चलिए फटाफट मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो दोस्त, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे लिखा है SMS, तो उस पर क्लिक करके मैसेज सेंड कर देना है। मैसेज सेंड करते ही दोस्तों, आपके पास एक मैसेज आएगा, आप थोड़ा सा वेट करें। ये देखिए, इस तरह का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, लिखा है 1 पे एयर टाइम, 2 नंबर पे डाटा और तीसरे नंबर पे बंडल्स और 4 नंबर पे यूनिटेड। अगर आप यहां से बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं या डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सब कुछ आप यहां से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलिए, मैं पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। यहां पे आपको लिखना है 1। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना है 1, फिर आपको सेंड कर देना है। ओके दोस्त, सेंड करने के बाद दोस्तों, फिर से आपके पास एक मैसेज आएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके दोस्त, बस थोड़ा सा वेट की, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, यहाँ सीरियल नंबर से एक प्लान है। आप जितना बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके सामने वाला नंबर आपको फिर से मैसेज बॉक्स में टाइप करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडिया का 500 डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सामने लिखा है 6, तो यहाँ पे आपको मैसेज में 6 लिखना है। ओके दोस्त,
ये 6 लिखना है, फिर आपको यहाँ एसएमएस पर क्लिक कर देना है यानी सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों फिर से आपके पास एक मैसेज आएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिए इस तरह का मैसेज आ गया, ये बोल रहा है यू आर सेंडिंग वे इंडिया टॉप अप प्लान 500 ए मोबाइल नंबर दे, और यहाँ पे सऊदी का पैसा दिख रहा है। तो आपको करना कहे यहाँ पे अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना है 1, ओके दोस्त, 1 लिख के फिर एसएमएस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा।